बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज अलवेद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये डिस्कस करना है कि बेसिकली वेरिएबल का मकसद क्या होता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम पाइथन की बात करें, जब भी आप पाइथन में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स राइट किया, वाई राइट किया या जी राइट किया, कोई भी वेरिएबल मैंने राइट किया, तो फौरन से क्या होगा, मेमोरी में आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है वहां पे उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। क्यों मेमोरी एलोकेट की जाती है? ताकि उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो सके, ठीक है। इसी वजह से यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। एक और चीज माइंड में रखिएगा कि वेरिएबल्स को नॉर्मली कंटेनर्स का नाम दिया जाता है, कि वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30। अब हम क्या कह रहे हैं, हम वेरिएबल को कोई वैल्यू जैसे ही असाइन करते हैं तो ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी, तो वो बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, यानी कि उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है जिसमें उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। इस वजह से वेरिएबल को कंटेनर का नाम दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा है, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। आपने देखा पिछली मैंने एग्जाम्पल में मैं लिखता रहा a इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू, इस तरीके से x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू। मतलब ये है कि पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड नहीं है। कमांड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप ना तो कोई वार का वर्ड यूज कर रहे हैं, ना आप वेरिएबल का वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी स्पेशल कमांड नहीं है जिसको आप यूज करते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सिंपल, आपने वेरिएबल का नेम जैसे ही राइट किया, इट मींस कि आपका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। थर्ड पॉइंट है, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। आप जैसे ही किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू 10, नेम इज इक्वल टू अली, जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसी टाइम उसी मोमेंट पे आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। हमें पाइथन में वेरिएबल की टाइप भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, हमें पाइथन में इस टाइप को भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट मजीद डिस्कस करेंगे जब हम डेटा टाइप की बात करेंगे। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा था कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। हम डेटा टाइप्स भी इनकी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इंटीजर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इंटीजर, अगर आप कहीं पे जरूरत पड़ जाती है चेंज करने की तो हम ये काम भी कर सकते हैं। लास्ट वन है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। यहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखा x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद जैसे हमने एक एग्जांपल में किया था, आप वहां पे जाके प्रिंट करवा दें कैपिटल x, तो आपके सामने एरर आएगा कि ये कैपिटल x क्या है, आपने स्मॉल x में वैल्यू स्टोर करवाई है, कैपिटल x क्या चीज है। तो इट मींस कि पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है। पाइथन में जो आप वेरिएबल्स वगैरह राइट करेंगे वो केस सेंसिटिव है, इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स को लिखने के जो रूल्स हैं वो कौन से हैं और किस तरीके से वेरिएबल्स को लिखा जाता है। वो हमें याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।